नमस्कार बच्चों, हम लोग के लिए एक छोटी सी खुशखबरी। हमारी एकजुटता का परिणाम आज दिखाई पड़ा। आज देखिए, पहला ही दिन था हम लोग के प्रदर्शन आंदोलन का, हम लोग के अपने हक की लड़ाई का पहला ही दिन था, और एसएससी के हाथ पांव फूल गए। और अचानक में देखिए, एसएससी ने हम लोगों के जो आंदोलन का असर था, एसएससी को दिखाई पड़ा। और एसएससी ने 2018 सीजीएल टीयर 3 का रिजल्ट 4 तारीख को, 4 अक्टूबर को घोषित करने के लिए बोल दिया है। 4 अक्टूबर को रिजल्ट आने वाला है। ये देखिए, होता क्या है कि अभी हम लोगों ने इतने अच्छे तरीके से अपने मुद्दे को उठाया है, ट्विटर पे आज हम लोगों ने ट्रेंड करवाया। आपको पता है, आपको मतलब जान के खुशी होगी कि 4 मिलियन प्लस लोगों ने आज ट्वीट किया, और ये नंबर 1 ट्रेंडिंग रहा, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट एंड नो जॉब नो वोट। आप लोगों की एकजुटता कितना ज़्यादा असर दिखाई। आप जानते हैं कि आज गवर्नमेंट के हाथ पांव फूल गए, और आप ये समझिए कि एसएससी ने आकर के लॉलीपॉप तो तुरंत दे दिया है। लॉलीपॉप क्या दे दिया है कि आप टीयर 3 का रिजल्ट देंगे, लेकिन हमें इतने पे नहीं रुकना है। रिजल्ट तो हमारा अधिकार था, वो तो हमें मिलना ही चाहिए, लेकिन हमारी लड़ाई और मुद्दों पर लेकर के है। हमारी लड़ाई ये है कि हमारा सिस्टम बदलना चाहिए, क्योंकि जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा, क्या हम हर साल हर परीक्षा के बाद आंदोलन खड़ा करेंगे? हम अपनी पढ़ाई करेंगे कि हर बार हम अपने आंदोलन को खड़ा करेंगे? तो देखिए, ये शानदार मौका आपको मिला है। अब की बार ही सारे सिस्टम को बदल के रख देना है, सारे सिस्टम को इस तरह से बदल देना है। हमें गवर्नमेंट से, हमें मोदी जी से आश्वासन चाहिए, वो आकर के मीडिया में सीधे बयान दें कि सारी जिम्मेदारी उनके गवर्नमेंट की है, जो गलतियां हुई हैं उसको सुधारा जाएगा, एक ऐसा रिक्रूटमेंट प्रोसेस बनाया जाएगा कि जिससे जितनी भी परीक्षाएं अभी तक पेंडिंग है, जैसे कि मेन मुद्दा हमारा रेलवे के बच्चों के लिए, रेलवे के बच्चे जो 2.5 करोड़ के आसपास बच्चे हमारे बैठे हुए हैं, उनकी लड़ाई है। सबसे पहले मोदी जी आकर के कहे कि हम एजेंसी का चयन कर रहे हैं, हम 6 महीने या 1 साल में यह भर्ती कंप्लीट करके देंगे, और आगे भी ऐसा रूल बना करके हम आपको देंगे कि जिससे कोई भी भर्ती अगर आए तो वो 6 महीने 1 साल में पूरा हो जाए। तो एक लिखित बयान हमें चाहिए सरकार की तरफ से, एक लिखित एक नियम चाहिए, और वो नियम परिवर्तित करें। हमें अपनी लड़ाई को तब तक जारी रखना है जब तक कि इन सारी चीज़ों में बदलाव नहीं आ जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से ये हमारे पास आश्वासन नहीं मिल जाता है कि हम जो है आश्वासन ये जब तक नहीं मिल जाता कि वो आश्वासन दे हमें, कि वो गवर्नमेंट हमें ये बताए कि हम सारी भर्ती परीक्षाओं के लिए 6 महीने या 1 साल का प्रक्रिया बनाएंगे, रेलवे का 1 साल बनाएंगे, एसएससी का 1 साल बनाएंगे, छोटी मोटी जो भर्तियां हैं उसको 6 महीने में निपटा देंगे। तो आपको ये आश्वासन जब तक गवर्नमेंट से ना मिल जाए, तब तक ये चीज़ें ट्रेंडिंग में बनी रहनी चाहिए, और आप सभी एकजुट हैं, इसीलिए आपको इसका परिणाम मिल रहा है। देखिए, आरंभ प्रचंड है, अंत भी शानदार होना चाहिए। जबरदस्त आप लोगों ने आगाज किया है, अपनी लड़ाई आपने खुद लड़िए, ना तो किसी मीडिया की जरूरत है, बस हम लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। और आप इस कैंपेन को कम से कम अभी आगामी 8-10 दिनों तक चला ही रखिए, मतलब ठंडा पड़ने की जरूरत नहीं कि एक छोटी सी खुशी मिल गई तो अब आपका, मान लीजिए किसी का रिजल्ट इसमें आने वाला तो वो खुश हो जाए, नहीं हमारा काम तो निकल गया। नहीं भैया, लड़ाई सबकी है, आपकी है, आपके भाइयों की है, आपके जो आने वाले छोटे भाई बहन है उनकी भी लड़ाई आपको ही लड़ना है। ऐसा सिस्टम इसी वक्त बदल लीजिए, क्योंकि इतना अच्छा मौका आपके पास अब नहीं मिलेगा कि पूरे हिंदुस्तान का टीचर, पूरे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जो कंपटीशन से जुड़ा हुआ है, सबको ये एक साथ है। तो हमें अपनी आवाज को एक सुर में उठाना है, हमें विरोध नहीं करना है, हमें अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना है, हमें सबकी इज्जत रखनी है, लेकिन अपनी बात को भी हमें रखना है शालीनता के साथ कि हमारे हक की लड़ाई कमजोर ना होनी पाए। तो आप सभी लोग फिर से कल इस चीज को ट्वीट करें, ट्विटर पर फिर से एक बार ट्रेंड करवाइए, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट नो जॉब नोट। फिर से आप 11 बजे से इसका ट्रेंडिंग चलाइए। देखिए, थोड़ा सा पहला असर आपको दिखाई पड़ा, लेकिन ये लॉलीपॉप है, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट मुंह बंद करने की कोशिश में, एसएससी ने मुंह बंद करने के चक्कर में थोड़ी सी बात दे दी, लेकिन इससे हमें नहीं कुछ चाहिए। हमें प्रोसेस को बदलना है कि आगामी जितनी भी परीक्षाएं हों सबका 1 साल में वारा न्यारा हो जाए, 1 साल में हमारी भर्ती पूरी होनी चाहिए, रेलवे की परीक्षा होनी चाहिए, और आगामी परीक्षाओं के लिए हमें लिखित आश्वासन चाहिए कि हर भर्ती जब आएगी तो वो 6 महीने 1 साल में पूरी कर दी जाएगी, उसमें कोई धांधली नहीं होगी, सारी चीज़ें सही सलामत होगी। प्रक्रिया को बदलना है। तो आप सभी लोग युवा हैं, युवा जानते हैं कि जब ये उलटता है तो वायु बन जाता है, और जब वायु बन जाता है तो इसको रोकना काफी मुश्किल हो जाता है। इस वजह से आप रुकिए नहीं, आपके अंदर जो एनर्जी है उसका प्रयोग करिए, सही तरीके से अपने विरोध प्रदर्शन को करिए। किसी को गाली गलौज देने की कोई जरूरत नहीं, सब अपने हैं, बस हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी है, हमें अपने मुखिया से अपने हक को मांगना है, हमें सपोर्ट सबका करना है, एकजुट रहना है, और चीजों को धीरे धीरे आगे बढ़ाना, आगामी 1 हफ्ते तक इस कैंपेन को जारी रखना है। ठीक है, आप लोग लड़ाई को लड़िए,
हम सभी लोग, हमारी सभी शिक्षक बंधु, हमारे सभी शिक्षक बंधु, हमारी सभी टीचिंग लॉबी एक साथ है, पूरे हिंदुस्तान के टीचर एक साथ है, सारे बच्चे एक साथ है। ऐसा मौका कम ही देखने को मिलता है जब सिस्टम के परिवर्तन के लिए सभी लोग एक साथ आए हैं। तो हम सभी लोग एकजुट होकर के प्रयास करेंगे, सारे सिस्टम को बदलेंगे और हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि सिस्टम में परिवर्तन नहीं आता है। तो आप सभी लोग इस चीज को फिर से कल से आप ट्वीट करेंगे, अभी आपको ठंडा नहीं पड़ना, अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाते रहना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। ओके, बाय, जय हिंद।